हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों डेट जो है जारी कर दिया गया है उन छात्रों के लिए। देखिए कभी जो है तीन पॉइंट के बारे में आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। डीजीटी की ओर से एक अपडेट जारी किया गया है, वो तीन पॉइंट क्या क्या है इस वीडियो में आपको पता लगने वाला है, ठीक है। तो बैक पेपर वाले या फिर से जितनी भी आपकी प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर आप लोगों के लिए जो है डीजीटी ने फाइनली एक अपडेट दे दिया है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जिन छात्रों का एडमिशन 2018 में हुआ था, ठीक है, और आप सेकंड ईयर में हो, ठीक, जिन छात्रों का एडमिशन 2018 में हुआ था और आप सेकंड ईयर में हो अगर, तो आप लोगों का जो है फ़ीस आप लोग नहीं जमा किए थे तो अब आप जो है फ़ीस जमा कर सकते हैं। और आपकी जो डेट है वो 14 तारीख तक बढ़ा दी गई है, ठीक है। 2018 वाले एडमिशन की बात तो ये हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ 2019 एडमिशन वालों की। जिनका एडमिशन 2019 में हुआ है तो उन छात्रों की भी यही प्रोसेस रहेगा। 14 तारीख जो है उनकी लास्ट डेट कर दी गई है, ठीक है। पहले 11 थी, अब 14 तारीख इसको बढ़ाकर कर दिया गया है, ठीक है। और पोर्टल आप लोग सोच रहे थे, पोर्टल अब चल चुका है, अगर पोर्टल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो, ठीक, तो अपनी आईटीएस कांटेक्ट कीजिए, अपना जो है फ़ीस वगैरह जमा कर सकते हो। दूसरा पॉइंट का है, जिन छात्रों ने फ़ीस जमा कर दी थी लेकिन उनके कॉलेज के किसी स्टूडेंट की परीक्षाएँ नहीं हुई, ठीक। मान लीजिए आप में से किसी ने भी अपनी मतलब फ़ीस तो जमा कर दी थी पिछली बार, तो आपके कॉलेज में किसी भी छात्र की कोई भी परीक्षाएँ अगर नहीं हुई थी तो आप लोगों को क्या काम करना है, आप लोगों को नई फ़ीस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी जो पुरानी फ़ीस है वही अपडेट की जाएगी। अब वो अपडेट करेगा कौन, वो अपडेट करेगा आपकी आईटीआई, ठीक। वो आपको अपनी आईटीआई संपर्क करना पड़ेगा, आपकी आईटीआई जो है उस प्रोसेस को कंप्लीट करेगी। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने फ़ीस कम्प्लीट कर दी थी तो, ठीक। तो ये तो होगी उन छात्रों के लिए जिनका फ़ीस में प्रॉब्लम थी, ठीक है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों के लिए मैंने कवर कर दिया। अब मैं बात कर लेता हूँ जो है बैक वालों के लिए कोई अपडेट नहीं थी, बैक वालों का क्या होगा। तो दोस्तों अभी जो है डीजीटी ने ये बताया कि बैक जिन छात्रों की आ चुकी है उन छात्रों के लिए अलग से जो है एक पोर्टल जारी किया जाएगा, अलग से लिंक जारी किया जाएगा, उस पर जो है उनकी फ़ीस जमा की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई भी ऐसा लिंक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आएगी या फिर जैसे ही लिंक ओपन होगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो बैक वाले छात्र तैयार रहें अपनी परीक्षा के लिए, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, आपकी परीक्षाएँ भी जल्दी ही करा दी जाएगी। हालाँकि इन्होंने कन्फर्म नहीं किया है कि परीक्षाएँ कौन से मंथ में होनी है, ठीक है, बैक पेपर वालों की। तो लेकिन जल्दी ही जब इन्होंने अपडेट दिया है कि जल्दी ही जो है अब फीस का जो है लिंक अपडेट किया जाएगा, नया पोर्टल पर दोबारा जो है अपलोड किया जाएगा लिंक, तो हो सकता है आप लोगों की परीक्षाएं भी जल्दी हो, ठीक। यानी कि जो परीक्षाएं अभी होने वाली हैं जुलाई लास्ट में बताई जा रही है, जुलाई लास्ट जुलाई अगस्त के समथिंग हो जो है आप लोगों की भी परीक्षाएँ कराई जा सकती हैं। ये अभी चांसेस थोड़े थोड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम है जो तीन अपडेट अभी हाल ही में डीजीटी की ओर से मिली है, ठीक। अब इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे लास्ट में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो हो सकता है मैं आपका ये सवाल हो वो लाइव आकर भी सॉल्व कर सकता हूँ, अन्यथा मैं आपको जो है रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं एंड करते हैं। कोई भी सवाल हो मैं फिर से बोल रहा हूँ, कमेंट ज़रूर करना। तो चलो आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।